गाइज वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। जो भी मैसेजेस आएंगे, सारे मैसेजेस को मैं आपको क्लियर करूँगी एंड अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ। सो गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी, जेंडर का कोई इशू नहीं है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी आपसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, दो तीन ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। एंड सेकेंड, ये एकदम फ्री है। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं हम रीडिंग को। सो लेट्स सी गाइज, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। Queen of Pentacles, wow, King of Cups and Queen of King of Pentacles and Queen of Pentacles. The Devil, Hierophant, the Hermit, फाइव ऑफ सॉट्स, बॉटम ऑफ द टैक्सी है किंग ऑफ वॉन्स। ओके, सो सबसे पहले गाइज मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप दोनों अर्थ साइन से हो सकते हो, दोनों के दोनों ही। एंड आपका एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक सोल कनेक्शन। उसके अलावा साइन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मुझे दिखता है टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन तीनों कार्ड्स हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन तीनों हैं, ठीक है। तो अर्थ साइन इस रीडिंग में बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांगली आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आता है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर की बात करूं तो यहाँ पर नंबर 14, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 9 एंड नंबर अगेन 5। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास है नंबर 5 एंड ये सारे नंबर इस रीडिंग में अवेलेबल हैं। मंथ की बात करूं तो जनवरी का महीना, मार्च का महीना और जून का महीना,
उसके अलावा जो है मुझे दिखता है मई का महीना और सितंबर का महीना, ठीक है। तो ये महीने मुझे जो है काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं इस रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ गाइस, वो ये है कि हायरोफेंट का कार्ड, यू नो, जो कि एक फैमिली इशू को यहाँ पर बताता है, कास्ट का, रिलीजन का, यू नो, एज का, इन प्रॉब्लम्स की वजह से शायद ये फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली लव मैरिज के ख़िलाफ़ है, यू नो, लव मैरिज के लिए तो मना ले, लेकिन यहाँ पर ना कास्ट का भी बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, या फिर आप एज का मान सकते हो। इनके जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, जो ये चैलेंज है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली फैमिली लव, एक तो होता है ना कि लव मैरिज के ही खिलाफ है टोटली, ठीक है। एक है कि भाई कास्ट की वजह से लव मैरिज भी करवा दे, लेकिन अगर कास्ट में हो तो वो इशू मुझे यहाँ पर दिखता है। ख़ास तौर पर ये इशू आ रहा है इनकी मदर की तरफ से। इनकी मदर जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है, इनकी मदर की ही तरफ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर मैं देखूँ आपके लिए इनकी फीलिंग्स, तो यहाँ पर ये कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, आप भी प्रैक्टिकल हो, मतलब कि आप दोनों ही मुझे जो है ऐसा नज़र आता है कि अगर वो प्रैक्टिकल है तो आप भी प्रैक्टिकल हो। बट उनका क्या है कि उनका थोड़ा सा कभी कभी रूड नेचर आ जाता है। आपका क्या है कि आप में एक फैमिनिन एनर्जी है, तो एक तो देखो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, ऊपर से वो मैस्कुलाइन है, ठीक है। अब आप फैमिनिन एनर्जी में हो और आप प्रैक्टिकल भी हो, तो मतलब आप बैलेंस कर रहे हो उस चीज़ को, आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो पहले से ही काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, उसको ज़रूरत होती है थोड़ा सा इमोशंस को, इमोशनल एनर्जी को लाने की और दोनों में एक बैलेंस बनाने की। और वैसे ही जो एक फैमिनिन एनर्जी होती है उसको ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी को लाने की, मैस्कुलाइन एनर्जी को लाने की, एंड फैमिनिन और मैस्कुलाइन जो एनर्जी है उनको बैलेंस में करने की, ठीक है। जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी हो एंड आपकी फैमिनिन एनर्जी वो है ही, क्योंकि आप गर्ल हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है आपके और इनके स्वभाव में कि ये थोड़े रूड हो जाते हैं कभी कभी और आप केयरिंग हो जाते हो। तो मैच तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स आती है, परफेक्टली मैच हो रहे हो। ये भी किंग है जो कि पेंटिकल्स का है, ये भी क्वीन है जो कि पेंटिकल्स की, तो परफेक्ट मैच। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो आपके लिए सोचते हैं वो ये कि यू नो, इनको भी नहीं समझ में आता कि इनकी फैमिली क्यों ऐसा कर रही है, बट आपके पार्टनर को जो पर्सनली लगता है, उनका जो एक सोच है इस रिश्ते को लेकर के, वो यही है कि हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा बिता लेंगे, क्योंकि हम दोनों ही बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम दोनों अपनी अपनी सिचुएशन को। तो पर्सनली इनको ऐसा लगता है कि हम काफ़ी मैच्योर हैं और हम काफ़ी अच्छे से संभाल लेंगे अपनी लाइफ को, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि फैमिली का क्या है, क्योंकि फैमिली की वजह से डिस्टर्ब हैं। फैमिली वाले कुछ ना कुछ जैसे कि मान लो कि अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी कभी अगर बात करने की कोशिश करते ना, लव मैरिज या यू नो कास्ट से अलग होकर के शादी करना, किसी और कास्ट में करना, किसी और रिलीजन में करना, किसी की स्टोरी लेकर के अगर उनके साथ थोड़ा डिस्कशन भी करें कि देखते पता चलेगा फैमिली का कि इस चीज़ के ऊपर क्या उसका जो है रिएक्शन आता है फैमिली का। जब भी ये ऐसा भी कुछ करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो है बहुत बुरी तरीके से हर्ट होना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो फैमिली है ना, एक बात ये क्लियर करेंगे क्या, जब पारनी पड़ती ना आर्गुमेंट में क्या होता है कि जब पारनी पड़ती ना भाई ये सही कह रहा है, फैमिली को भी पता है, लेकिन जब पारनी पड़ती तो फैमिली वाला कहते हैं तू ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तुझे ज़्यादा आ गई है अकल, या फिर तू ज़्यादा वो हो गया है, क्यों ना फैमिली फिर उस तरीके से जो है दबाने की कोशिश करती है। तो वो एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आती है, जैसे कि अगर ये इनडायरेक्टली भी बात करना चाहे ना उस टॉपिक के ऊपर जो कि प्रॉब्लम है, तो भी फैमिली वाले कहते हैं कि तेरे को बड़ी पड़ी है, तेरे को बड़ा सोचना है, हम हैं यहाँ भी सोचने वाले,
तो कहीं ना कहीं उस वजह से काफ़ी इनकी सराउंडिंग की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और उस दौरान ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि यार अब आगे क्या होगा। आगे इस फैमिली के इस तरीके के माइंडसेट को देख करके आगे अंधेरा ही अंधेरा इनको नज़र आता है, कोई उजाला नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि आगे होगा क्या। अदरवाइज़ ये जो है आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, डेफिनेटली एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, इनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम दोनों अगर एक साथ होते हैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियेंगे भी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इशू है, तो यहाँ पर ये ज़रूर दिखता है कि काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए, एक इमोशनल फीलिंग रखते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ ये रखते हैं, बट कमिटमेंट से भागते हुए आपको नज़र आते होंगे। लाइक आप जैसे कमिटमेंट की बात करोगे तो ये कमिटमेंट से या तो बातों को घुमाएंगे, या फिर आपको क्लियर जवाब नहीं देंगे, या फिर बात करना ही बंद कर देंगे। अगर आप ज़्यादा प्रेशर करोगे कि कमिटमेंट का क्या है क्या है क्या है, क्लियर करो, तो ये बात करना बंद कर देंगे, रिप्लाई देना बंद कर देंगे, या रूडली इनका आपको बिहेवियर देखने को मिलेगा, या ये चीज़ों को टालने की कोशिश करेंगे, बात को बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो इनके मुझे नज़र आता है यहाँ पर। क्यों ऐसा ये करते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जीज, सराउंडिंग की एनर्जीज की वजह से, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता, इनको खुद को इस रिश्ते का जो भविष्य है ना वो अंधकार में नज़र आ रहा है। इनको खुद को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आगे इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर में आगे मैं जो हूँ कमिटमेंट दे भी पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। जैसे कि ये लड़की इसको एक फ्लावर दे रही है, राइट? तो यहाँ पर ये है कि फ्लावर ये कप्स का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कप्स होते हैं ना हमेशा लव एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लव एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत कुछ है इस कप के अंदर, ठीक है? सो ये दे भी पाएंगे आपको या नहीं दे पाएंगे इन फ्यूचर, इस बारे में इनको खुद को कोई क्लियरिटी नहीं है। तो ये आपको क्या क्लियरिटी देंगे? तो इसलिए जो है इनको खुद को नहीं पता कि मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा। सो ये जो है चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं, या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, रूडली बिहेव करके ये कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा जो है ये डर जाओगे कहीं रिश्ता ना ख़राब हो जाए, तो आप बार बार वो क्वेश्चन ही नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं इनकी मुझे जो है ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है। ये आपको मिस बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, एंड बहुत अलग अलग तरीके से अपनी मदर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नहीं होता कि चलो मान लो हमें किसी टॉपिक पे बात करनी है अपने पेरेंट्स से, बट डर लगता है, तो जैसे कि मदर के पास गए, बोला मम्मी पता है वो जो था ना मेरा दोस्त, हो ना हो, ठीक है, एक दोस्त था मेरा, उसने ऐसे ऐसे कर लिया, उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मम्मी को वो चीज़ नहीं पसंद, सर चढ़ता है उनका, दिमाग घूमता रो कुछ और सुना देती हैं। तो ऐसा इनकी लाइफ में हो रहा है कि इनडायरेक्टली भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो डिस्कशन की बजाय आर्ग्यूमेंट होता है और ये सुन के वहाँ से आते हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन मुझे दिखती है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल अट्रैक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है, एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस होता है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, कभी कभी तो एनर्जीज इतनी हाई चली जाती है, कभी कभी तो इनको इतना ज़्यादा भी फील होने लगता है। सबसे ज़्यादा इनको पसंद है आपका नेचर, यहाँ पर ना इनको इनकी जो मदर है ना, आपके पार्टनर की जो मदर है, बेशक ये चीज़ें उनको नहीं पसंद, बेशक ये इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रहती हैं या फिर जो भी है उनका, लेकिन इनकी मदर और बाकी चीज़ों में काफ़ी अच्छी है। ये तो एक क्या होता है कि हम जिस तरीके से पले बड़े होते हैं तो हमारे माइंड में ना बातें बैठ जाती हैं और हम उसी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, तो इनकी मदर के भी दिमाग में वो चीज़ें हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो इनकी मदर काफ़ी अच्छी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वही इनकी मदर का जो नेचर है ना, वो ये आपके अंदर देखते हैं कि उन्होंने लाइक ये मेरी मदर के जैसे नेचर वाली है। अब इनकी मदर ने क्या है कि बहुत अच्छे से इनको, फैमिली को पूरी को बहुत अच्छे से संभाला है, कितने अच्छे से हर सिचुएशन से डील किया है, तो इनको ये समझ में आता है
जब ये एक तो होता है ना कि हम किसी को देखे तो हमें पता चलता है, तो यू नो उनको समझ में आता है कि यार इनका नेचर ना, जैसे कि आपका नेचर है बिल्कुल इनकी मदर जैसा, इनको ऐसा लगता है, तो आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से रिश्ते को संभालोगे, आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योरली हैंडल करोगे चीज़ों को, और एक हैप्पी फैमिली के लिए आप अच्छे रहोगे। यू नो कुछ लोग होते हैं ना, देखते हैं नेचर वाइज यार अगर हम कल को शादी करेंगे तो ये तो बहुत झगड़ालू है, गुस्सैल है, कैसे हमारी बात बनेगी, कभी कभी ऐसा फील होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करता है आपका मदरली नेचर, जो कि इनका कभी कभी जो है इनको लगता है जैसे कि अपनी मदर इनको आप में दिखती है, जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो इनका, आपने काफ़ी बारी शायद आपको कॉम्प्लीमेंट में मिला हो कि एग्जैक्ट मेरी मदर ने मुझे ऐसे बोला, या फिर एग्जैक्ट मेरी मदर भी मुझे ऐसे ही बोलती है, शायद आपने कभी काफ़ी बारी ऐसे कॉम्प्लीमेंट इनके मुँह से सुने हो। तो ये आपका जो नेचर है वो इनको बहुत पसंद है, सबसे पहली चीज़ तो ये। जिस तरीके से आप केयर करते हो, जिस तरीके से आप अपने आसपास की चीज़ों को रखते हो, आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हो, आपको अपने आसपास सुंदरता पसंद है, तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करते रहते हो। लाइक मान लीजिए आपका रूम भी है तो आप उस रूम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोर करके रखते हो। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो तो आपकी जो ऑफिस की टेबल होगी ना उसको भी आप बहुत अच्छे से जो है डेकोर करके रखोगे, जो कि सुंदर लगे देखने में, अलग सी दिखे। तो आई थिंक आपको, आपका ये है एक नेचर में कि मुझे जो है अपनी हर चीज़ बहुत अच्छे से रखनी है, जो कि सुंदर लगे, अच्छी दिखे। सो ये चीज़ भी कहने के इनको पसंद आती है कि यू नो आप इतने अच्छे से हर चीज़ को जो है संभालते हो, आप कितना अपने आसपास पॉजिटिविटी, अपने आसपास सुंदरता लाने की कोशिश करते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर अच्छी लगती है। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ ये कि आप अपने काम से मतलब रखते हो, फालतू की गॉसिप वगैरह नहीं करते हो, कि ना कुछ की आदत होती है ना जो गॉसिप करते हैं, एक्चुअली इनको वैसे लोग नहीं पसंद, बट आपकी आदत नहीं है उस तरीके से गॉसिप करने की, आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो, अपना काम ख़त्म करते हो और अपने आप में रहते हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए इनको लगता है कि ये परफेक्ट मैच है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम दोनों की शादी होती है तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि ऐसी लड़की मिलेगी नहीं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहता हूँ, तो ये इनका सोचना है। लेकिन इनकी फैमिली पंगे डाल रही है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक फैमिली को समझ में, ये हो सकता है आपको भी ना बता रही हूँ कि ऐसा ये कुछ कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर एनर्जी में देख रही हूँ कि इनडायरेक्टली जैसे कि अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं, बट अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तो इनकी भी कहीं ना कहीं इनको भी नहीं समझ में आता कि इन फ्यूचर या आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आपकी एनर्जीज देखती हूँ मैं कि आप किस एनर्जी में हो। डेथ, एट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से हैं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने सेल्फ लव पर फोकस भी कर रहे हो, एंड कभी कभी लो एनर्जी होती है लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है लाइफ, जैसे कि स्मूथली लाइफ चलनी चाहिए लाइफ वैसे भी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती कि दूसरी टेंशन आ जाती है, तो इस चीज़ से थोड़े से आप परेशान मुझे नज़र आते हो। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है जैसे कि इस रिलेशनशिप के लिए कभी कभी ना, इस रिलेशनशिप में जो करेंटली हो रहा है और जो आपको दिख रहा है, जो आप देख पा रहे हो, उसकी वजह से कभी कभी आपको ये फीलिंग भी आती है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शायद अब हमारी कभी बात नहीं होगी, शायद अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है। बट कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि नहीं हमारी बात होगी, और कभी कभी तो ये विश रहती है आपकी कि एक बार ही बात हो जाए, बेशक
एक बारी हो जाए लेकिन एक बारी बात हो जाए, क्योंकि दोनों ही कार्ड कम्युनिकेशन के। एंड ये जो बॉटम ऑफ द डेक से फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ये बताते हैं कि आप क्रेव करते हो कभी कभी कि उन्हें मुझे देखना है, मुझे बात करनी है, आपको याद आती है उनकी बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ये एनर्जी हाई हो जाती है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट यू नो यही है कि आपकी जो एनर्जीज है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। कभी तो आप जो है पूरी तरीके से अपने सेल्फ लव पर फोकस करते हो, कभी कभी इतनी ज़्यादा एनर्जीज हाई होती हैं, इतनी ज़्यादा याद आने लगते हैं अपने पार्टनर की कि मन करता है कि मैं बात करूँ। और कभी कभी जब डीपली सोचते हो तो ये लगता है कि शायद अब तक तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो यू नो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में मन में मिक्स सी एनर्जी है, कभी अच्छा कभी बहुत अजीब सा, और ऐसा फील आप करते हो काफ़ी बारी, रेस्टलेस सा फील करते हो आप, वो मुझे दिखता है यहाँ पर। पिक्स वगैरह ये सब आप देखते रहते हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मे बी अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स है तो आप वो भी सुनते रहते हो, अदरवाइज़ यू नो मन कहता है आपका कि मैं उनकी आवाज़ सुनूँ, मैं उनकी बातें सुनूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। यू नो आपकी मिक्स एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, कि पता नहीं होता कि किस टाइम आप क्या फील कर रहे हो। लाइक आपका यही होता है कि यू नो एनर्जीज चेंज होती रहती है, जैसे कि आप सुबह उठे काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। अब आप जैसे कि ऑफिस जाते हो, रेडी हुए आप निकले अपने ऑफिस के लिए, रास्ते में कोई ऐसा सॉन्ग सुनाई दे दिया जिसके बाद में अचानक से आप जो है अपने रिलेशनशिप में चले गए, मतलब कि उसके थॉट्स आने शुरू हो गए, अपने पार्टनर के थॉट्स आने शुरू हो गए। लाइक आपने फिर से उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए, देन कहीं ना कहीं आपका मन सा बैठ जाता है उस वक्त, फिर कुछ और दिख जाता है, फिर कुछ और सुनाई दे जाता है। तो ऐसा होता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से यू नो जब सुबह निकले थे तो एनर्जी कुछ और थी, लेकिन शाम को जब घर वापस आते तो एनर्जी कुछ और होती है और नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है और मैं कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पर ये है कि आपको खुद को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा गाइज, यू नो हमें कभी कभी ना खुद को भी समझाना पड़ता है, कभी कभी हमें खुद से भी बातें करनी पड़ती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। तो कभी कभी खुद को भी आप जो है गाइड किया करो, जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई सॉन्ग है जिसको सुनते के साथ आपको आपके रिलेशनशिप की, आपके रिलेशनशिप के पास्ट की, अपने पार्टनर की आपको याद आती है, उस टाइम पे जो है आपने गहरी सांस लेकर के अपने आप को खुद को समझाना है कि नहीं ये सिर्फ एक सॉन्ग है, ये सिर्फ एक सॉन्ग है। सिर्फ आपने अपने आप को यही यू नो बार बार आप दोहराते रहोगे ना, या फिर आप जिन भी ईश्वर पे बिलीव करते हो ना उनका नाम दोहराना शुरू कर दो, आप देखना कि वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपको, आपकी एनर्जीज उसकी वजह से इफ़ेक्ट नहीं होंगी। तो कभी कभी हमें कोशिश करनी पड़ती है, कभी कभी यू नो अगर हम नहीं चाहते हैं, हमको वही चीज़ अच्छी लग रही है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हम चाहते हैं सच में कि हमें जो है इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो फिर आपको उसके लिए कोशिश तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनानी पड़ेगी ताकि आप उससे बाहर निकल पाओ। बट एक चीज़ है कि उससे बाहर निकल आओगे तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड हील हो जाओगे, ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हो, बस थोड़ा सा इमोशनली गड़बड़ चल रहा है जो कि ठीक हो जाएगा अगर आप अपने आप को समझाते हो। तो समझाना शुरू कर दो, अपने आप से बात करना शुरू कर दो, देखो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी एनर्जी को फिर से यू नो उतना ही जो है एनर्जेटिक बना देते हैं जितना कि आप सुबह उठते टाइम होते हो। वर्ड्स का सारा खेल है, सारे दिन ये सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसमें भी वर्ड्स ही हैं, तो सारा खेल वर्ड्स का है, वर्ड्स पर फोकस करो। अफर्मेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओ ताकि आप जो है उससे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सको। यू नो कुछ कुछ वर्ड है जो कि कुछ लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कि कुछ लोगों को बहुत पॉजिटिव फील करवाते हैं, वही वर्ड्स उनको मोटिवेट कर देते हैं, कुछ लोगों के लिए वही वर्ड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं उनको, उनको गुस्सा दिला देते हैं। तो यू नो आपको देखना है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन से वर्ड्स बने हैं, आपको कौन से वर्ड ज़्यादा सूट करते हैं, आपको ऐसे कौन से वर्ड है जिसको सुन के आप मोटिवेट होते हो, एनर्जेटिक होते हो, ऐसे कौन से वर्ड है वही आपको फाइंड करने हैं। ओके सो ये चीज़ आपने करनी है। दूसरा मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखूँगी जो कि मैं हमेशा ही देखती हूँ, सो लेट्स सी। बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं,
सबसे पहला है डिटैचमेंट, द पावर ऑफ उदी, लिव इन द प्रेजेंट, हार्मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बॉटम ऑफ द डेक से सरेंडर। तो बाबा यहाँ पर आपसे ये चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड है, तो इससे बाबा क्या कहना चाहते हैं? सो गाइस, बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोगों से बातें करो, आप नए नए लोगों से मिलो। हम सब ही अपनी ज़िंदगी में हर एक नए इंसान से मिलते हैं, लेकिन उनसे बात करो, उनसे मिलो, उनकी प्रॉब्लम को भी सुनो, उनकी उनको अगर कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी करो। जो कर सकते हो, मदद कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ इंसान हमारे दिमाग पे हावी हो जाते हैं, तो सिर्फ उतना ही एक दूसरे के साथ एनर्जीज़ को एक्सचेंज करो कि आपके दिमाग पर कोई हैवी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको सोशल मीडिया पे कोई मिला, ठीक है, अगर आपने उनसे दिन में बात की, थोड़ी बात की, कम बात की, तो कहीं ना कहीं आपका जो है उनके साथ एक नॉर्मल सा जो है बिहेवियर रहेगा, एक नॉर्मल सा जो है व्यवहार आपका उनके साथ बनेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि सारी सारी रात उनसे चैट कर रहे हो, दिन में भी जब टाइम मिलता है तब चैट कर रहे हो, सो ये क्या कर रहे हो? आप अपनी तरफ से ही तो एक अटैचमेंट बना रहे हो, आप अपने लिए ही तो प्रॉब्लम बना रहे हो, सामने वाले की थोड़ी गलती है। उसने मैसेज किया है, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना अपनी ज़िंदगी में जो है रखना चाहते हो। तो अटैचमेंट होती है जब उसके साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यही रखो कि ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, थोड़ा ही टाइम स्पेंड करो। क्योंकि सबसे बड़ा जो हर्ट का रीज़न होता है वो होती है अटैचमेंट, तो उसी को कम कर दो अपनी को। किसी दोस्त से हो जाती है, कभी किसी से, तो उनसे थोड़ा सा कम बातें करना शुरू करो, ज़्यादा बातें मत करो। ज़्यादा बातें करोगे तो जल्दी से अटैचमेंट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खुद देखना कि अगर जैसे मान लो कोई परेशानी है, आप ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में, जिससे आपको बात करने का मन नहीं करता, जिससे आप बात करना नहीं चाहते हो, क्या वो ज़बरदस्ती उसको अटैचमेंट हो जाती है आपसे, या आपको उससे हो जाती है? नहीं होती ना। आपका मन नहीं करता, आप उसको रिप्लाई भी नहीं देते, आपका मन नहीं करता, आप बात भी नहीं करते, आप देखते भी नहीं हो, राइट? तो फिर कैसी हुई अटैचमेंट? वो कहीं और चला जाता है, आप कहीं और आगे बढ़ जाते हो, और पता भी नहीं होता कि किसी ऐसे शख्स से बात भी हुई थी। तो हम अपने लिए दुख खुद खड़े करते हैं लोगों के साथ, हर किसी के साथ एक अटैचमेंट बना करके। तो कोशिश करो कि सिर्फ कम से कम बातचीत रखो, और ज़्यादा बात करोगे तो डेफिनेटली अटैचमेंट हो ही जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है, तो जितना हो सके कम से कम बातें करो। करो, दोस्त रखो, लेकिन कम से कम बातें करो, ज़्यादा बातें नहीं करनी, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करनी है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ओके? फिर द पावर ऑफ उदी। तो उदी इस्तेमाल करने के लिए बाबा कह रहे हैं, अगर आप में से किसी के घर में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सो उदी इस्तेमाल कीजिए बाबा की। जहाँ से भी आपको मिल सके, आप उदी को जो है वो लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। गूगल पे आप देखोगे, देखो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सर्च करना है, देखना है कि आप उदी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एंड आप उदी का इस्तेमाल करो, बाबा की उदी का, ठीक है? एंड लिव इन द प्रेजेंट। बाबा कह रहे हैं प्रेजेंट में रहो, पास्ट की मत सोचो, फ्यूचर की मत सोचो, क्या होगा फ्यूचर में मत सोचो, क्या हुआ था पास्ट में मत सोचो, अभी क्या हो रहा है सिर्फ उसको देखो। मान लो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान यही होना चाहिए। कंप्यूटर पे काम करते करते उसको तो बंद कर दिया, और मुँह पे हाथ रख के कहीं और ही ख्यालों में हो, वो चीज़ नहीं करनी है आपने। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना है। अगर देखो आप पास्ट में खोए रहोगे तो आपका प्रेजेंट का काम खराब होगा, ठीक है? अगर आप फ्यूचर में भी खोए रहोगे तो भी प्रेजेंट का काम खराब होगा, और आगे बढ़ते जाओगे एक बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि काम टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आप कभी तो पास्ट में खोए रहते हो, कभी फ्यूचर में, और एक बर्डन आप कैरी कर रहे हो। बट
अगर आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हो तो पास्ट का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पास्ट का सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि जो पास्ट में गलती हुई उनको हम अगेन ना दोहराएं, बस इतना हम कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं। बचा हमारे पास फ्यूचर, तो फ्यूचर भी तभी हम अच्छा कर पाएंगे जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा। अगर आप प्रेजेंट में पढ़ाई अच्छे से करोगे तो इन फ्यूचर एग्ज़ाम पे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, राइट? तो प्रेजेंट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है? एंड पास्ट का हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको सोचना ही बेकार है। बस इतना सोच लो कि हाँ ये गलती हुई थी, अब दोहरानी नहीं है, सिंपल, ठीक है? हारमनी का यहाँ पर कार्ड है, जो कि यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को थोड़ा रिलैक्स फील करवाओ, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया है। होता क्या है कि हमारा जो माइंड है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं गाइस। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से जो है ज़्यादा सोचने की वजह से हमारी बॉडी थकती है, हमारी बॉडी की एनर्जी ख़त्म होती है। आपने सुना होगा कि 24 घंटा आप लगातार काम करो ना, तब भी आपकी वो एनर्जी जो है इतना आप लो फील नहीं करोगे जितना कि आप 24 घंटा सोच लो। सोचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होती है, किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होती है। तो अगर आपके माइंड में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपकी बॉडी भी काफ़ी वीक सा फील करेगी, एंड जब बॉडी ठीक नहीं है, माइंड ठीक नहीं है, तो सोल हैप्पी नहीं रह सकती है। अगर माइंड आपका रिलैक्स है तो बॉडी भी एनर्जेटिक है, बॉडी एनर्जेटिक है, माइंड रिलैक्स है, तो आपकी सोल को भी एक सुकून महसूस होगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने खान पान पर भी ध्यान देने की कोशिश करो, अपने डाइट पर ध्यान देने की कोशिश करो। आप ज़्यादा तला हुआ तो नहीं खा रहे हो, आप ज़्यादा तीखा तो नहीं खा रहे हो, आपको अपनी डाइट को संभालने की ज़रूरत है। ज़्यादा बाहर का भी नहीं खाना, क्यों ना आपका सिस्टम ही ख़राब हो जाए। तो अपना ध्यान रखना है, पानी भी अच्छे खासे पियो, ना तो ज़्यादा ओवर भी नहीं करना, ना ज़्यादा पानी पीना, ना बहुत कम पीना, एवरेज रखो, ठीक है? जो कि एक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। तो पूरा डाइट अपना जो है आपको देखने की ज़रूरत है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफ में कुछ भी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। आप जो है अपने आप को एक मैग्नेट बना लो। आप अपने आप को अगर आप पॉजिटिव रखते हो ना, तो आप ऑलरेडी एक मैग्नेट हो। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे तो आप हर एक अच्छी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपने आप को ही नेगेटिव रखोगे तो आप हर एक चीज़ को नेगेटिव को अट्रैक्ट करोगे, और नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करना कोई भी नहीं चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, ताकि आप एक आप ऑलरेडी हम एक मैग्नेट ही हैं ऑलरेडी, बट कुछ लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसलिए उनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसलिए उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये थॉट्स का गेम है। थॉट्स को संभाल लोगे तो सब कुछ लाइफ में संभल जाएगा। अच्छा ही अच्छा सोचो ना, गलत सोचना ही क्यों है हमें? जो भी होगा मंजूर होगा आगे, लेकिन हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है भगवान ने, तो हम अच्छा ही सोचेंगे, क्यों हम कुछ गलत सोचेंगे, ठीक है? सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।